अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर टू। लेक्चर टू के अंदर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे पास पैनल्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इन शेप्स एंड टेक्स्ट, एंड विल कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर टू। लेक्चर नंबर टू हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शेप्स को सिलेक्ट करके। ठीक है, अब हम शेप को सिलेक्ट किया है हमने, और उसके आगे हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमें ये पैनल जो है ये क्या क्या ऑप्शंस देता है। सबसे पहले हमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शेप का। शेप को हम क्लिक करते हैं। ठीक है, शेप को क्लिक करने के बाद हमारे पास फर्दर यहाँ पर शेप्स खुल जाती हैं। इसका मतलब है कैनवा हमें ऑफर करता है, ये जो शेप है इसको किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग राइट अवे ऑन अ सिंगल क्लिक। ठीक है, हम लोग यूं यूं जो जो चाहे इमेज यहाँ पर हम लोग शेप की सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम अभी तो हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम लोग इसको इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगा ये सब चीजें ना, लेकिन बाय द टाइम हम चीजों को समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कलर का ऑप्शन। ठीक है, कलर में हमारे पास सबसे पहले कहता है ये डॉक्यूमेंट कलर्स। ये डॉक्यूमेंट कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि आपके पूरे जैसे आर्ट बोर्ड में के जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनके कलर्स हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक हमारे पास यूज हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। ये सियान कलर है, सियान हमारे पास है ना, ये जब ये टैप कर रहा है ये हाथ तो सियान वहाँ यूज हो रहा है। ग्रे है, ग्रे इटसेल्फ शेप का ही है। पिंक है, ये भी यहीं पे यूज हो रहा है टैपिंग में जो हमारे पास एलिमेंट है। येलो है, ये हाथ का कलर है। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि ये ना डॉक्यूमेंट कलर्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट कलर्स इसलिए हमें पता जरूरी होने चाहिए क्योंकि ये जरूरी है कि हम लोग मोस्टली एक कलर पैलेट के अंदर ही चलें पूरे डिजाइन को। नहीं, बहुत ज्यादा हम कलर वेरिएशन कर देंगे ना तो वो चीज़ बहुत अजीब लगने लग जाएगी। तो ये आपको डॉक्यूमेंट कलर्स का सिर्फ बताना था मकसद। उसके बाद वाइट है ना, उसके बाद आपको ये स्पेसिफिक फोटोज जो मौजूद हैं उनके भी कलर्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बताएगा। अभी वो लोड कर रहा है, वो थोड़ी इमेज ऐसी तो कर नहीं पा रहा। ठीक है, एनीवेज जो हमारे पास सिंपल डिफॉल्ट कलर सॉलिड कलर्स का पैलेट है, यू कैन जस्ट कहले सेलेक्ट पिंक ब्लू नेवी ब्लू, ठीक है, ऑरेंज रेड एनी कलर। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लेट से सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हमारे पास थर्ड है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं इसकी जो है ना कह लेंगे जो बॉर्डर है उसका किस तरह आप चाहते हैं उसकी प्लेन लाइन में आए। हमारे पास ये डैश हो, मल्टीपल डैश हो, डॉटेड हो। ठीक है, लेट्स गो विद जस्ट फ्यू डैश। ठीक है, बॉर्डर वेट मतलब कि उसकी जो है ना कितनी उसकी जो है ना विड्थ हो जो बॉर्डर प्लेस की है, कॉर्नर राउंड करने के नहीं करने, राउंड राउंड कॉर्नर मतलब कि ये जो डैश है इसके जो है ना किस तरह उसको जो है ना स्मूथ करना है आपने। ठीक है, ये उसके लिए। फिर हमारे पास जो है ना ऑप्शन आ जाता है जब हमने एक दफा बॉर्डर प्लेस कर दिया ना, तो फिर हमारे पास आ गया एक कलर, एक बॉर्डर कलर का भी एक और ऑप्शन आ गया। तो हम वो यहाँ से अभी हमने जिस तरह देखा हमने बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास शेप में एक आ रहा है कैनवास सेंस। कैनवास सेंस क्या है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये बताता है फॉन्ट्स है। अब एक शेप का फॉन्ट से क्या ताल्लुक है, ठीक है, वो तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें एक्चुअली कैनवा क्या करता है, कैनवा आपको ऑफर करता है जब आप डबल क्लिक करेंगे ना शेप के दरमियान में तो आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे लिखे है अभी इतना विजिबल नहीं है, लेकिन इसको जो है ना कह लें कि लेट्स वे मेक इट विजिबल। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका फॉन्ट चेंज। सिंपल मैंने क्लिक किया तो इसने फॉन्ट चेंज कर दिया। अब हमारे पास फॉन्ट साइज की भी फंक्शनैलिटी आ रही है। लेट्स से इसका जो है ना फॉन्ट साइज हम 20 कर देते हैं। कलर हम इसका विजिबिलिटी के लिए वाइट कर देते हैं। उसके बाद ये बोल्ड इटैलिक ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन फ्यूचर। हमारे पास ये लिस्ट है, ये सारे टेक्स्ट रिलेटेड कंट्रोल हैं जो कि हम एक पूरा लेक्चर इसका कवर करेंगे। फॉर नाउ लीव देम। ठीक है, सिर्फ बैक टू सिलेक्टिंग शेप अगेन। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट शेप्स ना। अब हमारे पास जो है ना इसमें ये फंक्शनैलिटी आ जाती है कि ये अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं अपने पास इमेज को। अब इमेज को हमने जब सिलेक्ट किया ना तो पैनल में डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अब पैनल में जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हम लोग ये जो हमारे पास पैनल है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। सिंस इट इज एन इमेज ओनली तो सबसे पहले कि ये रिसेंटली यूज इसको इग्नोर करते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर क्या है कि ये ना लेट से अब इसका तो रिमूव हुआ हुआ है, अगर आपके पास कह लें कि आपकी अपनी इमेज है उसके पीछे कोई दीवार आ रही है उसके कुछ भी आ रही है तो उन चीजों को आप अगर रिमूव करना चाहेंगे तो वो बैकग्राउंड रिमूविंग कहलाएगी वो टेक्निक।
उसके अलावा जो मेजर चीज हम कर सकते हैं वो जो है ना इमेज की एडजस्टमेंट हो सकती है उसके कलर्स की, ठीक है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सब चीजें भी हम डिटेल में देखेंगे फोटोशॉप वाले कोर्स में, ठीक है। सेचुरेशन फिल्टर्स हम जो है ना लगा सकते हैं इसमें जो है ना फिल्टर्स, ठीक है। ये कुछ एनहेंसमेंट टूल्स हैं, स्मार्ट मॉकअप्स हैं। मॉकअप के अंदर अगर लेट से मैं इधर मॉकअप को क्लिक करूंगा तो ये एक मॉकअप के अंदर इस इमेज को ले जाएगा। अभी देखेंगे क्या करता है, देखा, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जेड दबाया मैंने, अब हमारे पास है ना कह लें कि फर्दर हमारे पास आ रहे हैं यही सम वर्ड फिल्टर्स कह लें इनको, ठीक है, और आगे एप्लीकेशंस हैं यू मे ऑल्सो लाइक, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। वन मेजर थिंग इज कि शेडो, शेडोज आर वेरी नेसेसरी थिंग, यू हैव टू यूज शेडोज टू मच बिकॉज इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स प्रोमिनेंट फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है। लेट्स से मैं ड्रॉप वाले को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप वाले को किया ना, तो नाउ यू कैन सी कि जो है ना देर इज अ प्रिट शेडो बिहाइंड दिस, और उससे जो है ना कह लें कि ये मोर प्रोमिनेंट है। लेट्स से ग्लो कर देता हूँ, तो ग्लो भी ठीक है, लेकिन लेट्स लेट इट लोड, ठीक है, लोड भी हो रहा है, ये हो गया, ठीक है, इसने ये कर दिया। अब हम ये अब हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा शेडो सिलेक्ट करना है और क्यों करना है, ठीक है, वो हमने खुद डिसाइड करना है। तो अभी हमारे पास कह लें कि वो इमेज लोड हो गई है, ठीक है, हमने इसको क्लिक किया। अब हमारे पास जो है ना जब हमने शेडो के ऊपर ऑब्जेक्ट शेडो सिलेक्ट किया उसके ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है एक और जो है ना उसको क्लिक किया, तो ये ना हम उससे मजीद ट्यून भी कर सकते हैं शेडो को, इसका क्या एंगल है, इसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं शेडो का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें बड़े अच्छे कूल फीचर्स हैं हमारे पास। तो ये हमने एक इमेज के बारे में देख लिया, सब इमेजेस के लिए नियरली 99% सेम ही ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है एक एलिमेंट जो कि एडिटेबल है, ठीक है, वैसे ये गिफ इमेज है एक्चुअली, लेकिन चलें इसको ही हम मॉडिफाई करते हैं। जो एलिमेंट होता है ना उसके अंदर हमारे पास जो जो एडिटेबल होता है उसके अंदर सिर्फ ये एक मेजर अच्छी फंक्शनैलिटी होती है कि वी कैन मॉडिफाई द कलर्स, ठीक है, हम लोग उसके कलर्स जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट से येलो को इधर से मैंने सेलेक्ट किया सिंपल, ठीक है, इसको मैंने पर्पल कलर कर दिया। सिमिलरली पिंक को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली क्या है मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड इमेज के जो है ना सम वर्ड कलर्स आर एडिटेबल। हाउएवर वी विल लर्न टू क्रिएट इलस्ट्रेटिव डिजाइंस इन डिटेल इन फ्री इन सेकेंड मंथ इन एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये क्रॉप है सिंपल, इसमें जो है ना आपने क्रॉप करना है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो भी क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, किसी भी इमेज या एलिमेंट को डबल क्लिक करेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट एक फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप का ऑप्शन बहुत अहम ऑप्शन होता है, ये आप लेटर ऑन यूज करना सीखेंगे, इससे जो है ना सिंपल हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल हो जाएगा, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। पोजिशनिंग एक बहुत डिटेल टॉपिक है, वो भी हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जो है ना सिंपल देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फॉन्ट्स हैं चेंज हो सकते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉन्ट्स का एक हम लोग अलग टॉपिक भी करेंगे, उसके अंदर हम लोग फॉन्ट्स की सिर्फ स्टडी करेंगे कि सेरिफ, सेंस सेरिफ और ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ पैनल एक्सप्लोरेशन का ये क्लास है, इसमें हम जो है ना सिंपल इसको जो है ना साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड और सिंपल कर सकते हैं, इसको इटैलिक कन्वर्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सिंपल वर्ड अगर आपने यूज किया है तो आपको यहाँ से पता है लिस्ट का ऑप्शन है, इससे आप जो है ना जो टेक्स्ट है उसको जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है ना। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि जो है ना आपके बुलेट पॉइंट्स बनते जाएंगे। लेट से आप मैं इसको जो है ना एक और एंटर दबाता हूँ ना, तो वो मेरे पास एक न्यू आ जाएगा, ठीक है, न्यू हमारे पास आ जाएगा बुलेट पॉइंट, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम लोग है ना इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसके अलाइनमेंट ठीक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगी ये चीज, राइट। तो ये हमारे पास है, अब ये एक जो चीज है ये हमारे पास है लाइट लेटर स्पेसिंग, ठीक है, ये सिंपल है कि लेटर्स के दरमियान स्पेस देनी है। अब आपको शायद लग रहा हो कि क्यों भाई क्यों देनी है, तो ये भी हम डिटेल में जब पोस्टर डिजाइनिंग का टॉपिक कर रहे होंगे तो हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम टूल्स को और फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइन स्पेसिंग की अगर मल्टीपल लाइन है तो आपने उनके दरमियान किस तरह स्पेसिंग करनी है, ठीक है। टेक्स्ट
टेक्स्ट के इफेक्ट्स हमारे पास आ गए, इफेक्ट्स में शेडो, लिफ्टी के शेडो डाल। अगेन वही बात है कि जो है ना, टू मेक इट इवन मोर प्रोमिनेंट हमारे पास हमें शेडोज या इसके जो है ना इफेक्ट्स डालने। ठीक है, हमारे पास ये नियॉन ग्लो भी है, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब आप करेंगे तो इसकी जो है ना आपके पास फर्दर जो है ना चेंजेस को और शेडो को मॉडिफाई करने के ऑप्शंस भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर गुड। ठीक है, तो लास्टली आपके पास शेप का एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट से आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन अ कर्व शेप ना, तो आपने सिंपल इसको कर्व वाला ऑप्शन दबाया, इफेक्ट्स में गए, कर्व दबाया आपने, तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। और कर्व को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी कर्व हो वो। ठीक है, तो इसको वापस नन कर देंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आगे जो फर्दर चीजें हैं वो ये आपने ये सारा करके आना है, आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। जो आपने लास्ट असाइनमेंट बनाई थी उससे अब मेरी तरह आपने सब चीजों को मॉडिफाई करके लाना है। ये आप मेरा ये फिर से लेक्चर देख लीजिएगा एक दफा, मैं खुद भी दिखा देता हूँ। जो मैंने लास्ट असाइनमेंट बनाई थी वो मैंने मॉडिफाई कर दी, तो अब आपने भी यही करके दिखानी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।